हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑरा हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है कि इस समय आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेके। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे आप इससे रेजोनेट कर पाएंगे, आज से एक महीने बाद या फिर आज से 6 महीने बाद, एंड आई एम श्योर आपको इससे अच्छी गाइडेंस ही मिलेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरा इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पर्सनल पेड रीडिंग बुकिंग्स। ओके, तो चलिए देखते हैं कि इस समय आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेके। डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए। Queen of Pentacles, Two of Cups, Ace of Sword, Page of Pentacles, Knight of Sword, Ace of Wands, King of Pentacles, The Empress, and bottom of the deck here the Star. बहुत ही प्यारी, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। नाइस नाइस नाइस। देखिए व्यूअर्स, आपके पार्टनर, पहले तो मैं बता दूं कि आपसे उन्हें बहुत हीलिंग मिलती है। अभी हो सकता है आप लोगों के बीच में कम बात हो रही हो, विदाउट एनी रीजन, कोई खास ऐसा रीजन नहीं है, नहीं बात हो रही है, कम बात हो रही है, लेकिन आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि जब आप उनके साथ थे या जब आप उनके साथ रहते हो, आप उनमें इन्वॉल्व होते हो, तो आपके पार्टनर को बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग मिलती है। लेकिन अभी आप उनके साथ नहीं हो तो वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड है, आपसे डिसअपॉइंटेड नहीं है, उनके खुद के बिहेवियर से डिसअपॉइंटेड है। उन्होंने आपको उदास किया है, उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है, उन्होंने आपके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं किया है, उन्होंने आपको पास्ट में इग्नोर किया है, बहुत इग्नोर किया, मतलब आपको ग्रांटेड लिया है। उन्हें ऐसा लगता था कि पता नहीं कौन है, मतलब एक अजीब सी वाइब आ रही है। जिस समय आपने उनकी केयर करी, आपने अपना 100% दिया, उस समय उन्होंने आपको इग्नोर किया। अभी उनको रियलाइजेशन हो रहा है, अभी एक्चुअल में उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आप क्या हो उनके लिए। वो बोलते ना कि दुआओं में मांगते हैं आपको, वो दुआओं में मांग, एक्चुअली वो दुआओं में मांग रहे हैं आपको। ये कनेक्शन में जीत चाहते हैं, ये कनेक्शन में जीत चाहते हैं, उन्हें कैसे भी इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहिए, ये उनके दिमाग में चलता रहता है। आप उनकी लाइफ के सनशाइन हो, आप उनकी लाइफ के सनशाइन हो, वो आपके बगैर नहीं रह सकते। बहुत ही सिंपल टर्म में मैंने बता दिया है कि वो आपके बगैर नहीं रह सकते। आप हमेशा काइंड रहे, केयरिंग रहे, लविंग रहे। एक 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 बहुत ही प्यारा आपका ऑरा रहा, और आपने हमेशा दिया है उनको, और दिया है मतलब निस्वार्थ होके दिया है, मतलब आपने एक्सपेक्टेशन में कभी कुछ मांगा ही नहीं, कभी कुछ नहीं मांगा, ना कभी कुछ आपने ज्यादा एक्सपेक्ट किया, लेकिन जितना भी आपने दिया उनको ना, उन्होंने कभी उसका वैल्यू नहीं किया। मतलब वैल्यू तो चलो ठीक है, वैल्यू में भी हम बहुत ज्यादा आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया उनसे, लेकिन जो बेसिक वैल्यू होता है ना, वो बेसिक वैल्यू भी उन्होंने आपको नहीं दिया। आप इस कनेक्शन के लिए बहुत कुछ करते गए, लेकिन इस समय आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो रहा है कि उनको कितना अफेक्शन है आपसे। आपने उनको दिया, उनको रियलाइजेशन है कि आपने, आप उनसे एक्चुअल में प्यार करते थे, अनकंडीशनल प्यार करते थे, इसलिए आप उनके लिए करते गए। अब इस वक्त आपके पार्टनर आपको बहुत बहुत मिस कर रहे हैं, और वो आपसे बहुत बहुत प्यार कर रहे हैं, उनको बहुत आपके लिए अफेक्शन हो रहा है। ये आज का जो रीडिंग है, मुझे मोस्टली सोलमेट वाइब आ रहा है, सोलमेट ट्विन फ्लेम वाइब्स आ रही हैं। डेफिनेटली स्पिरिचुअल कनेक्शन है। मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, डेफिनेटली वो अपने पार्टनर के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं। आपके पार्टनर सोच रहे हैं आपको क्लैरिटी देने की, डेफिनेटली वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। कुछ उनसे मिस्टेक हुई है, कैसी मिस्टेक हुई है, हर एक की सिचुएशन अलग होंगी, लेकिन डेफिनेटली वो आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं एंड कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहते हैं। पर इस समय जो उनकी ऑफर होंगी ना, वो कोई सॉलिड कमिटमेंट नहीं ऑफर करेंगे, ऑफर करेंगे मिलने का ऑफर कर सकते हैं, छोटी मोटी ऑफर होंगी, लेकिन वो बोल सकते हैं कि इतने टाइम का जो आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही थी, इतने टाइम से जो एक
एक एक गैप आप दोनों के बीच में आ गया था ना, एक आइस ब्रेक काइंड ऑफ हो जाएगा, आपको कुछ ना कुछ ऑफर करेंगे एंड उनको विश्वास है कि आप उनको ऑफर एक्सेप्ट करोगे, आप उनको रिजेक्ट नहीं करोगे. आपके लिए बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन वो फील करते हैं इस टाइम. मैं इतना बोल सकती हूँ कि उन्होंने आपको बहुत ना कंट्रोल, उन्होंने अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ है. उनका टाइम ठीक नहीं चल रहा है, वो भाग के आना चाहते हैं आपके पास. स्पीड देखिए, इस स्पीड में वो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन इस स्पीड में आने का कोई तरीका नहीं है. मुझे ऐसा लग रहा है अब शायद आपने अपनी एनर्जी ना थोड़ी सी पुल कर ली है उनसे, तो अभी उनको रियलाइजेशन ज्यादा हो रहा है एंड बहुत ज्यादा रियलाइजेशन हो रहा है क्योंकि आप एम्प्रेस हो. आपके पार्टनर को पता है कि आप बहुत बहुत स्टेबल पर्सन हो, आप यहाँ पे काइंड हो, केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, लविंग हो, अबंडेंट हो, ब्यूटीफुल हो, प्रॉस्परस हो. एंड आपके पार्टनर ना सिर्फ ये सारी चीजों से बचने के लिए एक एक्सक्यूज दे रहे हैं कि मैं अपने फाइनेंसिस पे काम कर रहा हूँ या मैं अपने फाइनेंसिस पे काम कर रही हूँ, मैं काम में बिजी हूँ, ये जो है ना ये एक्सक्यूज दे रहे हैं. तो आपको डेफिनेटली कुछ लोगों को बहुत जल्दी, मे बी विद इन अ वीक कुछ ऑफर आ सकता है या विद इन अ वीक कम्युनिकेशन हो सकती है. फ्रेश बिगनिंग जरूर होंगी. फ्रेश बिगनिंग मतलब एक जो चीजें पास्ट में खराब हो गई थी वो वापस सही ढंग से नए तौर से शुरू होंगी एंड कुछ ना कुछ छोटा ऑफर आपको वहां से मिलेगा. आई एम श्योर आप उनको एक्सेप्ट करोगे, उस ऑफर को एक्सेप्ट करोगे आप, क्योंकि आप इस एनर्जी में हो, आप अंदर से बैलेंस हो. आप के साथ वो एनर्जी नहीं है कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया. ठीक है, आप सोच रहे हो कि हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता और हम जिससे प्यार करते हैं ये जरूरी नहीं है कि वो भी हमें प्यार करें. ठीक है, आप थोड़े से मूव ऑन एनर्जी में हो, थोड़े से आपने एनर्जी पुल कर ली है. आपको ऐसा लगता है कि शायद ये कनेक्शन वर्क नहीं करेगा और मैं मतलब बोलते ना कि वो भी मुझसे प्यार करते हैं या करती है तो ठीक है, नहीं तो मैं खामखा दुखी हो रही हूँ या दुखी हो रहा हूँ. ऐसा आप में एनर्जी आ गई है कि ठीक है किसी को क्यों हर्ट करना है, किसी को क्यों डिस्टर्ब करना बार बार. तो थोड़ा सा आप मूव ऑन वाली एनर्जी में हो और अब जब आप मूव ऑन वाली एनर्जी में हो तो अब आपके पार्टनर को सहन नहीं हो रहा. जो आपने एनर्जी पुल करी है अपनी वो आपके पार्टनर नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं. ये आपके पार्टनर के दिमाग में चल रहा था कि कैसे किस तरीके से आपको अप्रोच किया जाए, क्योंकि डायरेक्ट फेस वो लेके नहीं आपको अप्रोच करेंगे. बट दिस पर्सन वॉन्ट्स टू अप्रोच यू, वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं. यस, और कुछ लोगों की मुझे लग रहा है कि विद इन अ वीक काफी सारी बातें हो सकती हैं, पूरा हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो सकता है. कुछ लोगों को वो पूरी क्लैरिटी देंगे कि ये जो सारी सिचुएशन हुई पास्ट में, जो उन्होंने बिहेवियर किया उसके पीछे क्या रीजन था, उन्होंने ऐसा क्यों किया. चलिए देख लेते हैं इस डेक से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं. डिवाइन प्लीज गाइड करिए. प्लेफुलनेस, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों ना एक प्लेफुलनेस एनर्जी में रहो. मतलब इस समय वो टाइम नहीं है कि वो इंटेंस टॉक कर सके आपको या फिर इंटेंस रिलेशनशिप में आपके साथ आ सके. इस समय वो प्रिपेयर नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि इफ दिस पर्सन, अगर वो आपके साथ इंटेंस रिलेशनशिप में अभी आ गया, उन्होंने किसी तरह का आपको कमिटमेंट दे दिया तो उनकी लाइफ से सब कुछ खत्म हो जाएगा. इस तरह की जो फीलिंग आपके पर्सन के मन में है वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, नो डाउट इन दैट. वो आपके साथ कनेक्शन में रहना चाहते लेकिन प्लेफुल एनर्जी में, लाइट एनर्जी में, फ्लर्टिंग काइंड ऑफ एनर्जी है, फ्लर्टिंग काइंड ऑफ वाइब है. इंटेंशन उनकी प्योर है लेकिन इस समय आपको वो कुछ भी सॉलिड कमिटमेंट नहीं दे सकते. सैक्रेड यूनियन, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है, आप दोनों का यूनियन जरूर जरूर होगा. थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए. डिवाइन टाइमिंग पे आप लोगों का यूनियन जरूर होगा. अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे ध्यान दीजिए. और सबसे बड़ी चीज, अगर आप में से कोई एक ऐसा इंसान है जो अपने इमोशंस को दबा रहा है, सी मेनी टाइम हमारे अंदर इमोशंस होते हैं लेकिन हम उसको ना सप्रेस करते हैं. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर आप अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हो, अगर आपके आपके पार्टनर से बातचीत होती है तो क्लैरिटी दीजिए. एक एक प्रॉपरली आपको उनको समझाना है, अपने इमोशंस को किसी भी वे में सप्रेस
नहीं करना है, और अपने इमोशंस को सप्रेस करके अपने आप को, बोलते हैं ना कि चीट करने वाली बात है, अपने आप को चीट मत करिए। किसी के लिए फीलिंग है तो फीलिंग है, आप उन्हें नहीं बता सकते तो मत बताइए, लेकिन कम से कम खुद वो चीज़ खुद से एक्सेप्ट करिए कि हाँ मैं इस इंसान को पसंद करता हूँ, या मैं इस इंसान को पसंद करती हूँ, मैं इस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ या करता हूँ। ये चीज़ें आपने एक्सेप्ट करनी है, तभी ये जो रिलेशनशिप है ना एक बहुत प्रॉपर वे में आगे वर्क करेगा। नहीं तो ये जो वाइब्रेशन है आपकी, ये आप यहाँ पे यूनिवर्स को भी थोड़ा सा मतलब यूनिवर्स भी सोच रहे हैं कि पता नहीं इनको ये इंसान चाहिए कि नहीं चाहिए। ऐसा नहीं करना है आपने, यू हैव टू बी वेरी फर्म कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। आपके जो इमोशंस हैं, आपके अंदर जो इमोशंस हैं उस पर्सन को लेके, उसके लिए पॉजिटिव रहिए और उसके लिए फर्म रहिए। हर सवाल का जवाब आपके पास है, आप ये रीडिंग देख रहे हो, लेकिन आपको पता है कि ये कनेक्शन आपके लिए बना, ये कनेक्शन कहीं नहीं जाएगा, आपके अंदर वो नेगेटिव वाइब आ ही नहीं रही है। मैं बता रही हूँ, मेरे जितने भी व्यूअर्स आज देख रहे हैं उनको अपने कनेक्शन के बारे में बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से। तो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है बार बार, हर पॉइंट पे वो सुनिए। रोमांस, मैंने कहा ना आपको आपके पार्टनर बिल्कुल थोड़े फ्लर्टिंग वे में चाहते हैं, आपके साथ बहुत रोमांटिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, एंड आपके पार्टनर एक बहुत अट्रैक्शन, मैग्नेटिक पुल फील करते हैं आपके लिए। पैशन एनर्जी बहुत बहुत स्ट्रांग है आज की रीडिंग में। बहुत ही प्यारा मैसेज है, आपने देखिए इसका मैं सिंपल मीनिंग आपको बता देती हूँ, आपने दिल की सुननी है। अगर आप ऐसे इंसान हो कि आप प्रैक्टिकली चल रहे हो, प्रैक्टिकल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपने दिल को इग्नोर मत करो, दिल को अवॉइड मत करो, ठीक है। और अगर आपके पार्टनर को थोड़ी सी स्पेस की जरूरत है, स्पेस की जरूरत है तो उनको स्पेस दो, आपको स्पेस की जरूरत हो, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप स्पेस लो, ठीक है। कोई भी ऐसे हार्ड एंड फास्ट जल्दबाजी में कोई भी चीज मत करिए। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, द पैशन इग्नाइट्स, बहुत हाई लेवल ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। एंड आपको पता है कि ये कनेक्शन आपका है, ये कनेक्शन कहीं जाएगा नहीं, ये स्ट्रांग फीलिंग आपके अंदर है, ठीक है। तो अपनी इस फीलिंग के लिए आप किस वे में मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने पार्टनर को, उस वे में आप मैनिफेस्ट करिए एंड आगे बढ़िए। चलिए एंजल डेक से देख लेते हैं क्या एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं। डिवाइन प्लीज गाइड करिए। बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है आप दोनों के अंदर, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है, ऐसा कनेक्शन रहेगा तो केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होगी। जो आप लोग एक दूसरे के लिए फील कर सकते हो वो आपने शायद कभी किसी के लिए फील किया ही नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों के भी रिलेशनशिप में लोग आए होंगे गए होंगे, लेकिन आपका जो दिल और दिमाग अटका है वो सिर्फ आपके पार्टनर पर अटका है। को डिपेंडेंसी, ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये एक सॉर्ट ऑफ एडिक्शन है। जिस भी इंसान इस चीज़ से गुजर रहे हैं वो चीज़ से आपको बाहर निकलना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दिन भर में पार्टनर के दो मैसेजेस नहीं आए तो फिर आप थोड़े से ना मतलब बेचैन हो जाओगे, रेस्टलेस हो जाओगे, नहीं वो तो मुझे याद ही नहीं करते, नहीं वो मुझे भूल गए हैं। अगर उनका मैसेज आ जाता है देन यू विल फील ओके, अगर उनका मैसेज नहीं आता है देन आप में हड़बड़ी, बेचैनी, फिर आप फोन करोगे, फिर आप गुस्सा करोगे कि एक मैसेज नहीं भेज सकते क्या। ऐसा नहीं करना है। को डिपेंडेंसी बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है, इट्स ए काइंड ऑफ एडिक्शन, इट्स ए काइंड ऑफ सफरिंग, ठीक है। अपने आप को बिल्कुल स्टेबलाइज करिए। अगर इंसान दो दिन आपको मैसेज नहीं कर रहा है, एक दिन मैसेज नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको भूल गया है। नेगेटिव थॉट से बाहर निकलना है, गेटिंग माय पॉइंट। ट्रस्ट, ये कनेक्शन पे ट्रस्ट रखना है आपको, नो मैटर अभी की जो भी सिचुएशन है। लेकिन मैं बता दूं, जो आज के दिन मेरा रीडिंग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं यूनिवर्स ही आपको दिखा रही है ये चीजें ताकि आपको हेल्प मिले। ये कनेक्शन कहीं नहीं जाएगा, ये कनेक्शन आपका है, ठीक है। तो आपको फेथ रखना है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। हो सकता है इस कनेक्शन से रिलेटेड आपको कुछ रेड फ्लैग्स मिल रहे हो, उस पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, ठीक है। और हमेशा रेड फ्लैग्स का मतलब गलत नहीं होता है, बहुत बार रेड फ्लैग्स का मतलब चीजें सही भी होती है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, ठीक है, कि क्या रेड फ्लैग्स हो सकते हैं। रिलीजियस फैक्टर, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों के कनेक्शन में आप दोनों का रिलीजन डिफरेंट हो, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है रिलीजन डिफरेंट है, तो आप रिलीजियस जो फैक्टर है आप दोनों के बीच में वो आड़े आ रहा है आप दोनों के मिलन में। इसके अलावा ये कार्ड ये भी बताता है कि
हो सकता है आप दोनों में डिफरेंसेस ज़्यादा हो, एज गैप बहुत ज़्यादा हो, कोई एक दूसरी कंट्री में रहता हो, दूसरा को दूसरी कंट्री में रहता हो, ठीक है। एंड रिकन्सिलिएशन, आप दोनों में सेपरेशन है और काफ़ी टाइम से सेपरेशन है, बट आप दोनों में रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगा। फ्रेंड्स, ये थी आज की छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग अगर आपको पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखिए। थैंक यू सो मच।